चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है वो है कैल्सियम में फॉर्मेलिन। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके थे कि कैल्सी विंडो का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, विंडो इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर नंबर 6 में क्या है, डेटा एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। डेटा एडिटिंग मतलब ऑलरेडी हमने टाइप कर लिया है, अब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। या फॉर्मेटिंग मतलब उसको एक कलर इफेक्ट देना है, उसको बोल इटैलिक करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो सब क्या आएगा, फॉर्मेटिंग। फिर रो और कॉलम की हाइट और विड्थ चेंज करनी है तो वो भी क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। इन शॉर्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, जो डिफॉल्ट इफेक्ट होता है उसमें चेंजेस करना तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग, ठीक है। देखो ऑलरेडी हमारे पास है मतलब ऐड हुआ है, जो हमने टाइप कर लिया है, जो ऑलरेडी है मतलब एग्जिस्टिंग है उसमें चेंजेस करना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एडिटिंग। क्या कहलाएगा, एडिटिंग, उसमें चेंजेस करना मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया है, आप ऐसा बोलेंगे कि उसमें दो लाइन ऐड करो तो वो क्या कहलाएगा, एडिटिंग। अब उसमें डिफॉल्ट आपके पास पेपर कौन सा होता है, वाइट, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूं कि प्रोजेक्ट में येलो कलर का पेपर यूज करना है और ब्लैक पेन, तो आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग में चेंज करना, जैसे कि कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। क्लियर है, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का डिफरेंस पता चलता है। व्हेनेवर वी एड एनी टेक्स्ट एनी वेयर इन डॉक्यूमेंट इट्स कॉल्ड एडिटिंग। Whenever we change any style, any size, it's called formatting. Clear है इतना, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा ऐसा ही है, डेटा एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे करना है कैल्सी में, कौन सी शॉर्टकट की है, कौन से मेनू है और कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, वो सबको इंक्लूड करके हमें ये चैप्टर में पूरा पढ़ना है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फाइल को ओपन करना, कैसे ओपन करेंगे, फाइल को ओपन करने के बाद कैसे उसमें एडिटिंग करेंगे। तो स्प्रेडशीट मतलब हमारी फाइल, ठीक है, कैसे में हम वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो उसको ओपन करने के लिए कौन सा मेनू आएगा, फाइल मेनू, उसमें से ओपन और उसमें से क्या करेंगे हम, स्प्रेडशीट, ठीक है। नई बनानी है तो हम क्या लेंगे, न्यू, फाइल में न्यू क्या लेंगे, स्प्रेडशीट, नई बनानी है तो, पर ऑलरेडी है और उसको ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल में ओपन स्प्रेडशीट। क्लियर है इतना, ठीक है। या फिर हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस एन, और ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, न्यू के लिए क्या है, कंट्रोल एन, और ओपन के लिए कंट्रोल ओ। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर आगे आता है हमारे पास कि एक और हमें ऑप्शन देता है कि सपोज मैंने अभी जस्ट 10 मिनट्स पहले ही वो फाइल बंद की थी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट, जो अभी जस्ट हमने क्लोज किया है या फिर एक दिन पहले क्लोज किया है, तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। तो कैल्सी में फाइल मेनू में डॉक्यूमेंट ऑप्शन आता है, कौन सा, डॉक्यूमेंट, और उसमें हमें ऑप्शन ऑप्शन मिलता है रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो आपने जो लास्ट 10 फाइल्स ओपन की होगी वो दिखाएगा, उसमें जो हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं हमारी फाइल, ठीक है। अगेन एक बार, फाइल नहीं बनानी है तो न्यू,
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को खोलना है तो ओपन, पर उससे भी शॉर्टकट मेथड है कि जो लिस्ट है मतलब अभी एक दो दिन की बनाई हुई फाइल है तो वो हम किसमें से ले लेंगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मेथड इजी रहेगा, क्लियर है इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास फाइल आ गई है, मतलब फाइल हमारे पास खुल गई है, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी वर्कशीट है उसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, वर्कशीट का कलर चेंज करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, शीट वन, क्या होता है शीट वन, उसका नाम मुझे चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए हम क्या आएंगे, फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में ऑप्शन आता है शीट, और उसमें ऑप्शन है रीनेम। कौन सा ऑप्शन, रीनेम, इसके लिए टू चेंज वर्कशीट नेम। ठीक है, वर्कशीट का नाम मुझे चेंज करना है, शीट वन की जगह मुझे मार्कशीट लिखना है, तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी, फाइल मेनू में से शीट टैब, और उसमें से कौन सा ऑप्शन, रीनेम, कौन सा ऑप्शन, रीनेम। ठीक है, रीनेम आप करोगे तो तुरंत आपको पूछेगा कि आपको नया नाम क्या लिखना है, शीट वन की जगह आपको जो नया नाम लिखना है वो आपको टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट, फिर ओके करोगे तो वो नाम क्या हो जाएगा, मार्कशीट, शीट वन की जगह क्या नाम हो गया, मार्कशीट। ये चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में आपको ये सब याद रखना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए, कौन से मेनू में कौन सा ऑप्शन है, और हमारी टेक्स्ट बुक में पिंक कलर में वो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, वो सारे वेरिकोस टाइम भी है, पिंक कलर में जितने भी दिए हैं मेनू और उसके ऑप्शन वो सब याद करने हैं, क्लियर एकदम। चलो आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आता है कि उसका कलर चेंज करना है, मतलब वर्कशीट का मुझे कलर चेंज करना है, तो अगेन हम किस में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में शीट, और उसमें कलर में ऑप्शन में जाएंगे, कौन सा ऑप्शन, कलर। अगर आपको मेनू में नहीं जाना है, मतलब फॉर्मेट मेनू में नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, तो जो शीट का नाम आता है जैसे कि शीट वन, ऐसे शीट वन लिखा होता है, ठीक है, तो शीट वन के नाम ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक, तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे रीनेम एंड कलर, डिलीट, न्यू, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, अगर आपके मेनू के ऑप्शन को नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, शीट टैब पे राइट क्लिक और उसमें से रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कलर ऑप्शन। जैसे आप कलर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको कलर बॉक्स खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे कलर दिखेंगे, उसमें से आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो वो पूरी शीट जो व्हाइट कलर के आती थी उसकी जगह आपने जो कलर सिलेक्ट किया होगा वो आएगा। ठीक है, येलो कलर सिलेक्ट किया होगा तो पूरी वर्कशीट कौन से कलर की हो जाएगी, येलो कलर, क्लियर है इतना। ठीक है, फिर आगे आता है इसमें, इसमें आपको ये सारे मेनू और ऑप्शन ही याद रखने हैं। फिर नई शीट उम्मीद नहीं है हमें, ठीक है, तो ऐड अ न्यू शीट, तो हम किसमें जाएंगे, इंसर्ट मेनू में, कौन सा विकल्प लेंगे, न्यू शीट, या फिर डायरेक्ट शीट ऑप्शन भी होगा, इंसर्ट मेनू में कौन सा ऑप्शन लेंगे, न्यू शीट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट थ्री का ऑप्शन हमें मिलती है तो आपको फोर्थ नंबर की ऐड हो जाएगी, क्लियर है। इंसर्ट मेनू में क्या क्या, कौन सा ऑप्शन हम लेंगे, न्यू शीट। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आता है कि न्यू रो और कॉलम हमें चेंज करना है। ठीक है, रो चेंज करने के लिए हमारे पास आता है
नया ऐड करना है तो इंसर्ट मेनू में कॉलम या फिर इंसर्ट मेनू में रो। इंसर्ट का मतलब क्या है? ऐड, इंसर्ट करना, ठीक है। मतलब नया ऐड करने के लिए कौन सा मेनू याद रखना है? इंसर्ट, ठीक है। आपको मेनू के नाम कैसे याद रखना है? देखो जैसे कट कॉपी पेस्ट आए तो ये वो क्या हुआ? एडिटिंग। तो कौन सा मेनू याद रखना है? एडिट। पेज को डिफरेंट तरीके से देखना है, ठीक है, तो कौन सा मेनू? व्यू। कौन सा मेनू? व्यू। पेज को स्टाइलिश बनाना है तो कौन सा मेनू? पेज में कुछ भी डालना है, पिक्चर, टेबल, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, म्यूजिक फाइल, तो क्या आएगा? ठीक है। और जो रेयर केस में यूज होते हैं ऐसे ऑप्शन, जैसे कि स्पेलिंग है, ग्रामर है, ऑटो कॉलिंग, वो सब है, तो उसके लिए क्या याद रखना है? टूल्स। और कुछ भी टॉपिक पे हेल्प में नहीं है तो कौन सा मेनू याद रखना है? ऐसे इसे याद रखना है। जैसे कि नया लेना है, पुराना क्लोज करना है तो कौन सा मेनू? फाइल, ठीक है। डेटा को इधर उधर कुछ करना है, कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट, तो क्या आएगा? एडिट। पेज है, डेटा है, इसमें फुल स्क्रीन देखना है, मिनिमम स्क्रीन देखना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो क्या देखेंगे? व्यू। क्लियर है ना? कुछ भी चेंजेस करना है, डिफॉल्ट में से चेंजेस, कलर है, फॉन्ट साइज, स्टाइल, तो क्या करेंगे? फॉर्मेट। कुछ ऐड करना है, कुछ ग्राफिक या पिक्चर रेडीमेड या फिर कोई ऑटो शेप्स, ऐसे कुछ ऐड करना है तो इंसर्ट। जो रेयर केस में यूज होते हैं ऐसे ऑप्शन करने हैं तो टूल्स। और कोई भी टॉपिक पे हेल्प लेनी है तो हेल्प, ठीक है, ऐसे याद रखने हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, तो नई रो और कॉलम ऐड करनी है तो हम कौन सा मेनू लेंगे? इंसर्ट। अब उसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है तो कौन सा मेनू आएगा? उसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है, डिफॉल्ट जो है उसकी साइज वो चेंज करनी है तो कौन सा मेनू लेंगे हम? फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में हाइट और विड्थ चेंज करनी है, पर किसकी? रो की या कॉलम? वो पहले सेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट मेनू में हमारे पास ऑप्शन आता है कॉलम, और उसमें आता है हाइट एंड विड्थ, ठीक है। इसी तरह से रो, हाइट एंड विड्थ, क्लियर है। डिफॉल्ट जो सेटिंग था उसमें उसका, जैसे कि ये मेरा बॉक्स है इतना है, अब इसको ऐसे बढ़ाना है तो ये क्या बढ़ेगा? हाइट। क्या बढ़ा उसका? हाइट। अब मैं ऐसे करती हूँ तो ये क्या होगा? विड्थ, ठीक है। तो उसको हाइट वाइज या विड्थ वाइज चेंज करने हैं तो कौन सा मेनू लेंगे हम? फॉर्मेट मेनू। कौन सा मेनू? फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो, अब हमें ऐसे करना है कि इसका मेजरमेंट, डिफॉल्ट मेजरमेंट इसका किसमें आता है? इंच, ये याद रखना है। मेजरमेंट यूनिट क्या है उसका? डिफॉल्ट इंच ऐसे लिखा आता है कि 8.03 और डैश डैश, इसका मतलब क्या है? इंच। तो डिफॉल्ट मेजरमेंट क्या बनता है इसमें? इंच। क्लियर है, ठीक है। इतना इसमें कुछ डाउट है तो देख लीजिए एक बार। टेक्स्टबुक में जो पिंक कलर के मेनू और ऑप्शन है ना, वो सब अंडरलाइन कर देना चैप्टर में, यही पूछेगा कि कौन से मेनू में कौन सा ऑप्शन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हमने नया ऐड करना तो सीख लिया।
किया इंसर्ट में जाके। अब इसे डिलीट करना है, पुराना को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, तो वो देखते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट हम क्या कर सकते हैं, रो कॉलम या पूरी वर्कशीट, ठीक है। पर्टिकुलर ऐसे मैंने बॉक्स बना दिए हैं, ठीक है। अब ये पूरी रो मुझे डिलीट करनी है तो भी मैं कर सकती हूँ, ये जो कॉलम है वो डिलीट करना है तो भी मैं कर सकती हूँ, और रो कॉलम का जो वर्कशीट है वो डिलीट करना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे, कौन सा मेनू आएगा, डिलीट करना है, कार्ड कॉपी पेज मूव सिलेक्ट डिलीट, हाँ कौन सा मेनू, एडिट मेनू में क्या डिलीट, डिलीट क्या करना है, रो या फिर कॉलम या फिर शीट, क्लियर है, ठीक है। एडिट मेनू में रो कॉलम या फिर शीट, पर्टिकुलर बॉक्स को डिलीट करना है आपको तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेल, कौन सा ऑप्शन आएगा सेल, क्लियर है इतना। ठीक है, पर्टिकुलर बॉक्स को अगर डिलीट करना है तो क्या ऑप्शन आएगा सेल, क्लियर है इतना, ठीक है। आगे लेते हैं, इसमें दूसरी मेथड है, अगर आपको पर्टिकुलर रो और कॉलम डिलीट करनी है तो यहाँ पे उसके नेम आते हैं, जैसे कि ए बी सी, यहाँ पे होता है 1 2 3, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है ना उसके ऊपर हमें कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक, कौन सा क्लिक, राइट क्लिक, हेडिंग के ऊपर हम राइट क्लिक लेंगे तो उसमें भी हमें ऑप्शन मिलेगा डिलीट हाइड विथ, ठीक है, वो सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे। अगर मेनू में नहीं जाना है तो पर्टिकुलर हेडिंग पे हम राइट क्लिक करके ये काम कर सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है, हमने इंसर्ट सीखा, फॉर्मेट सीखा, डिलीट सीखा, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक हम ले लेते हैं, वो है पूरे विंडो को फ्रिज करना। फ्रिज मतलब हमारे पास स्क्रोल बार आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो वो स्क्रोल ना करे, हम स्क्रोल बार यूज करेंगे पर वो स्क्रोल ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिज। तो उसके लिए हमारे पास आता है विंडो मेनू और उसमें कौन सा ऑप्शन, फ्रिज, विंडो मेनू में कौन सा ऑप्शन, क्लियर है। पूरे विंडो को स्टैटिक करना है, मतलब स्क्रोल बार यूज करने पे कुछ भी मूवमेंट ना आए उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिज, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक का पूरा आपको रीड करना है, आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। हमें फाइल मेनू, एडिट मेनू में और इंसर्ट मेनू में शीट ऐड करना और रो और कॉलम ऐड करना, उसको डिलीट करना, वो सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करना है। पहली हुए थड़े जो मेनू में जाके आपको वर्क करनी होती है और दूसरी राइट क्लिक, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है।